तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जब फंक्शन फलन एफ एक्स बराबर दो प्रकार से परिभाषित है, ड्यूल नेचर का है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है यदि एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 है, एक्स छोटा है या बराबर है 1 के, तब फंक्शन की परिभाषा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है और एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 2 है यदि एक्स ग्रेटर देन 1 हो। तो दो प्रकार से बच्चों परिभाषित है, आप प्रश्न में देखें ध्यान से। इस फंक्शन एफ एक्स की बिंदु एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है, ये प्रश्न कह रहा है कि वो अवकलनीय है, तब हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये मान के चलना है कि एक्स बराबर 1 पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी RSD राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी LHD बराबर मान के चलना है और इस सवाल को हल करके देखते हैं। तो बच्चों लीजिए, प्रस्तुत है ये प्रश्न नंबर 8 का हल। तो बच्चों आपने देखा कि जो मापांक फलन है, मापांक फलन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ग्रहण करता है, और जैसे मॉड साइन एक्स देखा आपने, मॉड कॉस एक्स देखा, और एक नया प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, कि एक फंक्शन है जो दो प्रकार से परिभाषित है प्रांत के विभिन्न मान के ग्रहण करने के कारण। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है, और वो कब है यदि ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और बी एक्स प्लस 2 है फंक्शन की वैल्यू यदि वो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। और प्रश्न कह रहा है कि बिंदु एक्स बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है एफ एक्स अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, ये क्वेश्चन ने कह दिया है। तो क्वेश्चन ने कह दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलेंगे कि इसका RSD जो है और इक्वल होगा LSD के, ये पहले से साबित करने की जरूरत नहीं है, मान के चलेंगे ये दिया है, ये गिवन है। तो बच्चों स्पष्ट है अभी तक इतने सारे प्रश्नों में आपने करके देखा कि x बराबर 1 पर जो फंक्शन fx है फलन कि हम RSD कैलकुलेट करते हैं पहले। तो RSD को हमने कोड कहा था R एफ डैश किस बिंदु पर, 1 पर, वो है लिमिट x टेंडिंग टू 1 के ऊपर प्लस साइन एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 क्योंकि बिंदु 1 पर है अपॉन एक्स माइनस 1, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक की परिभाषा है। 1 रेस्ट टू प्लस का मतलब ये हुआ कि हम 1 से ज्यादा से एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा से 1 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और 1 से ज्यादा बच्चों आपको कहां दिख रहा है, यहां, तो निश्चित रूप से यहां इस लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस के केस में हमें एफ एक्स की जगह बी एक्स प्लस 2 लिखना चाहिए। फंक्शन की परिभाषा एक्स ग्रेटर देन 1 के केस में ये है, और माइनस एफ ऑफ 1 1 के केस में इक्वल 1 नहीं है, यहां नहीं है, तो हमें ये लेना पड़ेगा, यानी माइनस ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए लेकिन एक्स बराबर 1 रखकर, तो ऐसा ब्रैकेट में लिखकर एक्स बराबर 1 आप लिख देना अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो यहां पर इसका जो सिंप्लीफिकेशन है RSD थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके देखें, आर एफ डैश 1 राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट
एक्स इज इक्वल टू वन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस के केस में हमको ये फंक्शन बी एक्स प्लस टू दिख रहा है, और एक्स बराबर वन के केस में ये वैल्यू दिख रही है, लेकिन उसमें वन रखेंगे उसको बोलते हैं एफ ऑफ वन। तो वन इसमें रखो बच्चों, वन स्क्वायर वन ही होगा और प्लस तीन इंटू वन, तीन एकम तीन ही होगा, प्लस ए होगा अपॉन नीचे क्या है एक्स माइनस वन। तो इसको और आगे कैलकुलेशन करें, आर एस डी जिसको हम कह रहे हैं, आर एफ डैश वन कह रहे हैं और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो बी एक्स प्लस टू और ये ब्रैकेट में वन और थ्री अपन तीन चार फोर प्लस ए आ रहा है अपॉन एक्स माइनस ए वन है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस है और बी एक्स प्लस टू और ये माइनस साइन अंदर गया तो माइनस फोर माइनस ए अपॉन माइनस वन। कुल मिला के कैलकुलेशन किया जा रहा है बच्चों, तो आर एस डी सिंप्लीफाइड होके हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, आर एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू वन प्लस बी एक्स माइनस टू माइनस ए, ये आपको नजर आ रहा है बच्चों। तो एक्स माइनस वन अब आपको मालूम है कि ये एक से ज्यादा है, तो नो डाउट कि हम मानते हैं, तो माना एक्स बराबर वन प्लस एच लिखना पड़ेगा, और चूंकि आपको मालूम है यहां दिख रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस है एक से ज्यादा है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो से ज्यादा होना चाहिए। ये इस लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए ये काम किया जाता है बच्चों। तो आर एस डी आर एफ डैश ऑफ वन हमें सिंप्लीफाइड होकर मिल रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, और इसको हम लिखेंगे बी एक्स के जगह हमने देखा है माना है वन प्लस एच माइनस टू माइनस ए, और नीचे दिख रहा है वन प्लस एच एक्स के जगह ये वन प्लस एच है और माइनस वन है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वन वन कैंसिल, और जब हम इसको और कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो हमें दिख रहा है कि इसको आर एफ डैश ऑफ वन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बी प्लस बी प्लस और बी का एच से गुणा कर बी एच माइनस टू ए माइनस ए अपॉन एच। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि मैं इसकी लिमिट को कैलकुलेशन करने जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे ये अनडिटरमाइंड फॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन आप बच्चों ध्यान देना क्वेश्चन आठ अलग प्रकार का सवाल है, उसने पहले से अवकलनीय है कहा है और आपको ये कह रहा है वो कि ए और बी का मान ज्ञात करो, ए की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो नो डाउट कि ये अवकलनीय है, तो ये किसी भी हालत में ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट होना ही चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिख दो, यहाँ भी प्लस लिख दो, और इसको बी एच लिख दो, और प्लस कॉन्स्टेंट आपको दिख रहा है बी माइनस टू माइनस ए अपॉन एच। ये लिमिट जब मैं कह रहा हूं कि एग्जिस्ट है संतुष्ट है, लिमिट है जबरन है क्योंकि आर एस डी डिफाइन है, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि ये इस बिंदु एक्स बराबर एक पर फलन अवकलनीय है, तो निश्चित रूप से मुझे बी माइनस टू माइनस ए ये जो कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर इसको जीरो मानना पड़ेगा, जीरो इसको होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो ये इक्वेशन नंबर बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन नंबर मिला जिसको हम टू कह दें और इसकी लिमिट तो
सवाल ही उठता कि आर एफ डैश वन डिफाइन है तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंडिंग टू जीरो और बी एच अपॉन एच, तो ये इसकी लिमिट आर एफ डैश वन की वैल्यू हमें बी मिलेगी, इसको समीकरण नंबर तीन कहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है बच्चों, जिसको समीकरण नंबर दो के रूप में आप ध्यान रखेंगे, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू वन मिला वो समीकरण नंबर तीन है। तो बच्चों अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर टू तब राइट हैंड डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट होगा जब बी माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो, तो इसको इक्वेशन नंबर टू हमने कहा। और जो इस केस में जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एट द पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं वो बी है। तो अब बच्चों हम x बराबर एक पर फंक्शन एफ एक्स की एलएसडी को सोचते हैं। तो एलएसडी बिंदु पर हम एल लिख दें, एफ डैश वन लिख दें, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन, क्योंकि बिंदु एक पर है, अपॉन एक्स माइनस वन। अब इक्वेशन नंबर वन जो क्वेश्चन में दिया है फंक्शन पर हम ध्यान दें और इस लिमिट पर ध्यान दें। इस लिमिट में हमको स्पष्ट दिख रहा है कि एक से कम में फंक्शन डिफाइन है यहाँ समीकरण नंबर एक पर गौर करें। तो यहां एफ एक्स के जगह पर हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस के केस के कारण ये फंक्शन को लेना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए लेना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि एफ ऑफ वन मतलब एक्स बराबर वन के केस में भी यही फंक्शन की डेफिनेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए भी वही होगा, लेकिन इसमें एक्स बराबर हमको एक रखना पड़ेगा अपॉन नीचे एक्स माइनस है ही है। तो नो डाउट कि एल एफ डैश ऑफ वन जो हमको मिल रहा है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस है, और इसको हम एज इट इज नोट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्योंकि अवकलनीय है वो प्रश्न कह रहा है, और माइनस एक्स बराबर एक इसमें हम रख देंगे, तो वन का स्क्वायर वन और थ्री इंटू वन थ्री प्लस ए अपॉन नीचे आपको दिख रहा है एक्स माइनस वन। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस ये दिख रहा है आपको थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए माइनस तीन एक चार माइनस ए, तो इसमें ए और ए कैंसिल अपॉन एक्स माइनस वन। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो सिंप्लीफाइड होके आगे हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर के फॉर्म में दिख रहा है अपॉन एक्स माइनस एच। अब स्वाभाविक है, सिंपल है, अब जब ये सिंप्लीफाई हो गया है तो आपको मालूम है कि ये एक से कम है तो एक्स बराबर हमें वन माइनस एच मानना पड़ेगा, और चूंकि स्पष्ट है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा। ये लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम बचा है कि हम इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस कह दें और एक्स के जगह वन माइनस एच होल स्क्वायर लिख दें और प्लस थ्री वन माइनस एच लिख दें माइनस फोर लिख दें, और एक्स के जगह आपको वन माइनस एच नज़र आ रहा है और ये एक्स माइनस
माइनस वन दिख रहा है, तो माइनस वन से वन कैंसिल होकर जब एच की जगह जीरो रख दे तो ये वन स्क्वायर जो है डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ बच्चों, वन माइनस जीरो जीरो ये वन स्क्वायर हो गया और थ्री वन माइनस जीरो हो गया ये, और माइनस फोर अपॉन जो वैल्यू है वो आपको माइनस एच नजर आ रही है, और लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, या फिर इसको हम सिंप्लीफाइड कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, इस स्क्वायर को तोड़ दे तो यहां पर इस कैलकुलेशन देखें तो इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, इसको स्क्वायर तोड़ने पर आपको वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच कह दे इसको, और प्लस थ्री माइनस थ्री एच लिख दे, थ्री का मल्टीप्लाई, और माइनस फोर अपॉन नीचे आपको माइनस एच नजर आ रहा है, तो ये सिंप्लीफाइड होके लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आ रहा है और प्लस, और लिमिट आपको दिख रहा है एच टेंडिंग टू जीरो प्लस है, और जब मैं तीन और एक चार आपको नजर आ रहा तो ये चार इससे कट जाएगा, और आपको ये भी नजर आ रहा है कि जो टू माइनस टू एच और थ्री एच मिल के माइनस फाइव एच देगा, तो एच स्क्वायर माइनस ही ज़्यादा बेहतर होगा डायरेक्ट इस लिमिट के बजाय, तो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड जरूर कर लेना, तो एच स्क्वायर नजर आ रहा है और माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव एच नजर आ रहा है और अपॉन नीचे माइनस एच है, तो इस लिमिट को जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस दिख रहा है, एच कॉमन है और एच माइनस फाइव अपॉन माइनस एच, और ये एच एच कैंसिल, जब इसको लिमिट को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जीरो माइनस फाइव अपॉन माइनस वन, ये कट के माइनस वन आया है तो इसकी लिमिट फाइव आ गई, तो हमें ये पता लग गया कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ वन हमको फाइव नजर आ रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर चार कह दें। तो बच्चों आपने देखा कि इसको जो अपन ने डायरेक्ट रखा तो कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म जैसा आपको नजर आ रहा था, और जब मैंने इसको स्क्वायर तोड़ के बनाया तो हम मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन आपको मिल रही है, एल एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू फाइव, जिसको हम समीकरण नंबर चार कह रहे हैं, और चूंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि आर एस डी एल एस डी के बराबर है, आर एस डी एल एस डी के बराबर है, तो आर एस डी कितना है भाई, बी, इसको फिर से हम यहां पर लिख दे, क्योंकि ये दिया है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो फंक्शन है एक्स बराबर एक पर अवकलनीय है और आपको ए और बी का मान निकालने कह रहा है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा अब तक के प्रश्नों से डिफरेंट प्रॉब्लम है बच्चों, तो आर एस डी के जगह पर हम जो निकाल चुके हैं वो क्या है, आर एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू एल एफ डैश ऑफ वन, आपको क्लियर है, वो डिफाइन है, दिया है, तो आर एफ डैश ऑफ वन समीकरण नंबर तीन कह रहा है वो है बी, और एल एफ डैश ऑफ वन आप कैलकुलेट कर चुके हैं पाँच, तो आपको ये पता लग गया कि बी की वैल्यू पाँच है, ये पहला आंसर है। अब प्रश्न ने ए बराबर भी पूछा है तो अब आप खुद ढूंढेंगे, समीकरण नंबर दो में ए नजर आ रहा है तो समीकरण नंबर दो से आप नजर डालेंगे, ये पहले से मिल गया है आपको, मैंने जब आर एस डी बताया था तब ये इस कंडीशन थी, तो समीकरण नंबर दो से हम बी माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे और बी का मान इसमें हम रख देंगे, तो बी फाइव है माइनस ए है माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, चूंकि लिख देना बी बराबर आपका फाइव है, अब जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे पाँच में से दो गया तीन, माइनस ए इज इक्वल टू जीरो,
और माइनस ए को पक्षांतर कर देंगे तो 3 = a। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये पता लग गया कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन 1 अवकलनीय है, तो उस केस में a बराबर 3 और b बराबर 5 उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी, अदरवाइज ये अवकलनीय नहीं होगा, ये फंक्शन आपको अवकलनीय नहीं होगा। जो ड्यूल नेचर का है, जो दो प्रकार से परिभाषित है, x लेस देन होने पर विशेष ध्यान रखा गया था, ये फंक्शन था, x ग्रेटर देन 1 होने के केस में bx प्लस 2 था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच। तो सर एक दूसरा प्रॉब्लम ए वाला बंद हो गया था लास्ट में थोड़ा सा।